नमस्कार डियर लवली स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेल। बेटा आज हम हमारा न्यू चैप्टर पढ़ेंगे, पार्ट 10, विराम चिन्ह। ठीक है, विराम चिन्ह के बारे में आई होप आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, लेकिन पहले फोर्थ क्लास तक आपने कुछ विराम चिन्हों के बारे में ही पढ़ा था, है ना। सारे विराम चिन्ह आपने नहीं पढ़े थे, कई तरह के हैं विराम चिन्ह। इससे पहले हमने वाक्य विचार पढ़ा था, है ना। पहले हम वाक्य को शुद्ध कैसे लिखना है, कैसे बोलना है, ये हमने समझा है। और अब हम वाक्य में कहाँ हमें क्या चिन्ह लगाना है उसके बारे में हम समझेंगे, ठीक है ना। विराम चिन्ह का मतलब है रुकना या ठहरना, है ना। कहीं अगर हमें वाक्य के अंत में रुकना है तो कौन सा चिन्ह लगेगा, वाक्य के बीच में हमें रुकना है तो हम कौन सा चिन्ह लगाएंगे, या किसी चीज़ को हमें हाईलाइट करना है, कोई शब्द ऐसा है, कोई नाम ऐसा है जिसे हमें हाईलाइट करना है तो क्या चिन्ह लगेगा, या किसी का दो अर्थ निकल रहे हैं, है ना। जैसे कुछ मैंने बोल दिया है फिर उसको और अच्छे से एक्सप्लेन करना है तो उसे किस चिन्ह के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे, ये सारी चीज़ें हम इस विराम चिन्ह के अंदर कर जाएंगे, ठीक है। तो रुकना या ठहरना वाक्य के बीच बीच में तथा अंत में विराम को प्रकट करने के लिए निर्धारित चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं, ठीक है। इसका नंबर 1 है पूर्ण विराम, ओके। ये वाला इसका सिंबल है, पूर्ण विराम का एक चिन्ह है। पूर्ण विराम कहाँ लगेगा, सूचना वाले वाक्यों के अंत में लगेगा, है ना। जहाँ हमें कोई सूचना मिल रही है या कोई हमें निश्चित कोई वाक्य अगर हमारा है तो उसके अंत में ये पूर्ण विराम लगेगा। जैसे मैं बाजार जा रही हूँ, है ना, और हमने वाक्य खत्म कर दिया और हमने यहाँ पे पूर्ण विराम लगा दिया। अगर हम पूर्ण विराम नहीं लगाते हैं इसका मतलब हम इसके आगे भी और कुछ कहना चाह रहे हैं, आगे हम और कुछ लिखना चाह रहे हैं, है ना। पूर्ण विराम लगाया मतलब हमने हमारी सूचना दे दी कि मैं बाजार जा रही हूँ, मैंने बता दिया है और बात खत्म हो गई, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अर्धविराम, है ना। अर्धविराम जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है आध, है ना। ये वाला इसमें चिन्ह लगेगा बिंदु और नीचे कोमा। जब हमें एक बड़े वाक्य में कई छोटे वाक्य जोड़ेंगे, है ना, बड़ा वाक्य उसके साथ साथ अगर हमें कोई छोटे वाक्य जोड़ने हैं तो वहां इस चिन्ह का प्रयोग होगा। हम वाक्य को एंड नहीं कर रहे हैं, हमारा वाक्य जब कंटिन्यूशन में ही चल रहा है, वाक्य को एंड करने में तो हम ये चिन्ह लगा लेंगे, लेकिन वाक्य के आगे ही अगर हमारा कोई और वाक्य जुड़ रहा है तो उसमें हमारा ये वाला चिन्ह लगेगा। जैसे मेरा घर बिक गया, मेरा खेत बिक गया, है ना। मेरा घर बिक गया के बाद मैंने अपनी बात को खत्म नहीं किया है, मैं बता रही हूँ कि मेरा घर भी बिक गया है और मेरा खेत भी बिक गया है, लेकिन मैंने ये चिन्ह बीच में लगा के अपने वाक्य को कंटिन्यू किया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है अल्पविराम, ठीक है। नेक्स्ट है अल्पविराम, इसमें सिर्फ कोमा लगेगा, ठीक है। थोड़ा विराम या बहुत थोड़ी देर के लिए रुकना, है ना। जैसे कि रीना, रमेश, सीमा व राधा जा रहे हैं, तो रीना, रमेश, सीमा, है ना, ये सारे क्या है, अलग अलग व्यक्ति हैं। अगर मैं बोलूंगी रीना, रमेश, सीमा व राधा जा रहे हैं, तो बीच में व लगने के बाद राधा तो पता चल रहा है कि राधा अलग है, लेकिन ये तीनों कंटिन्यूशन में आने से हमें पता नहीं चल रहा है कि ये एक साथ है। तो अगर हम ये वाला सिंबल लगाएंगे तो हमें पता चलेगा रीना अलग है, रमेश अलग है, सीमा अलग है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है प्रश्न चिन्ह। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, अगर हम किसी से कोई प्रश्न करते हैं तो ये चिन्ह लगेगा और ये अंत में लगेगा, जैसे कि तुम कहाँ जा रहे हो और प्रश्न वाचक, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है विस्मयादि बोधक, ठीक है। ये चिन्ह कहाँ लगेगा, जहाँ हमें आश्चर्य हो रहा है या जहाँ हम डर रहे हैं या हमें दुख हो रहा है, हमें घृणा हो रही है, उस जगह पे हम इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे वो वाक्य लिखते या बोलते समय। जैसे कि अरे कितना बड़ा घर है, हमें आश्चर्य हो रहा है इतना बड़ा घर देख के, तो हमने उसके बाद ये चिन्ह लगाया है अरे, ठीक है, विस्मय बोधक चिन्ह। नेक्स्ट हमारा है निर्देशक चिन्ह, ठीक है, जो हमें कोई निर्देश दे रहा है, ठीक है। जैसे कि जब मैं आपको कोई वर्क कराती हूँ, ठीक है, तो मैं हर वर्क के आगे मैं ऐसे लगाती हूँ, तो ये निर्देश दे रही हूँ कि मैं इसके बारे में आपको पढ़ा रही हूँ, है ना। वाक्य के अंत में उदाहरणों से पहले, है ना, ये चिन्ह लगेगा। जैसे
फूल कई तरह के होते हैं, मैं फूलों के बारे में आपको बता रही हूँ। मैंने एक चिन्ह लगा लिया जैसे कि गुलाब, चमेली, कमल आदि, ठीक है। इस चिन्ह के द्वारा मैंने आपको बताया है कि फूल कई तरह के होते हैं, मैंने आपको निर्देश दे दिया कि ये फूल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कोष्ठक, आप सभी जानते हैं कोष्ठक ब्रैकेट, ये जो हम चिन्ह लगा रहे हैं, ये किसी शब्द के दूसरे रूप या अर्थ के लिए, कोई भी शब्द है अगर हम उसे लिख तो रहे हैं लेकिन हम उसका और भी कोई रूप अगर हम बताना चाह रहे हैं, एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, तो वो इसके इस कोष्ठक में हम लिख के उसे कर सकते हैं। जैसे 500 रुपए, ठीक है, मैंने हिंदी में तो लिखा है लेकिन मैंने इसे गणित में भी लिख लिया है कि 500 रुपए देने हैं, लेकिन मैंने इसे ब्रैकेट में लिख लिया है। ये दोनों है तो एक ही, 500 रुपए और ये है तो एक ही, लेकिन इसे मैंने कोष्ठक में लिख लिया है। नेक्स्ट हमारा है एक हरा उद्धरण चिन्ह, किसी अक्षर, किताब, उक्ति को दर्शाना, ठीक है। ये वाला चिन्ह लगेगा ऊपर की तरफ, जैसे मैंने फूल व कांटे किताब लिखी, अब फूल व कांटे किताब को मैं हाईलाइट कर रही हूँ, जो किताब मैंने लिखी है, तो मैंने इसके साथ ये चिन्ह लगा लिया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है दोहरा उद्धरण चिन्ह, इसमें डबल लग जाएंगे, इसमें हमने सिंगल लगाया है, इसमें डबल लग जाएंगे। किसी के कहे हुए पूरे वाक्य का जो कि क्यों दिखाना, जैसे कि माँ ने कहा तुम्हारे पापा शाम तक आ जाएंगे, तो ये मैं इसे हाईलाइट कर रही हूँ कि तुम्हारे पापा शाम तक आ जाएंगे, इसमें मैंने डबल लगा लिया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है अपूर्ण उक्ति चिन्ह, ठीक है। कभी कभी पूरा वाक्य ना बोलकर हम आधा वाक्य बोलकर रुक जाते हैं, है ना, वो उसके साथ जो हम चिन्ह लगाते हैं डॉट, ये अपूर्ण उक्ति चिन्ह है। जैसे अगर मैं कहूंगी कि मैं बता रही थी लेकिन डॉट, लेकिन के बाद मैं रुक गई, है ना, मैंने बताया नहीं, तो हमारा ये वाक्य अधूरा रह गया, तो यहाँ पर हम इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे, है ना। कई बार हम कुछ बोलते हुए रुक जाते हैं, नहीं मैं तो जा ही रही थी लेकिन क्या हुआ, क्या हुआ डॉट, क्या हुआ, हमने नहीं बताया क्या हुआ, तो वहां पर इस चिन्ह का प्रयोग होगा, ठीक है। तो बिटाई हो आप सभी को ये विराम चिन्ह जो भी मैंने आपको समझाए हैं अच्छे से समझ आ गए होंगे। फिर भी आप इस चैप्टर की एक बार रीडिंग करना, आप इसे रीड करेंगे, इनके और उदाहरण आपकी बुक में दिए हुए उन्हें पढ़ेंगे, तो आप इसे अच्छे से समझ जाएंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।